छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का उत्सव 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव का आयोजन नवा रायपुर मेला ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 3 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी, जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के अंतिम दिन राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। दिवाली के वजह से राजस्व का जो पर्व है वो 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। राजस्व में पर्व इस बार किस तरह से रहेगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी है। किस तरह से राजस्व का आयोजन इस बार हो रहा है और कौन कौन प्रमुख लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं? राजस्व छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सुखद पल होता है और हर साल हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को सौगात के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों को सौंपा है, बिना आंदोलन बिना संघर्ष के छत्तीसगढ़ वासियों को जो ये धरती जहाँ इनकी गर्भ में रत्न छुपा हुआ है, वनांचल है, नदियों से धन धान्य से भरा पूरा धरती, जो कभी पिछड़ा इलाका कहलाता था छत्तीसगढ़, इसके लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ वासियों की विकास के लिए, तरक्की के लिए, कि ये भी देश की विकसित राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ राज्य बने, इस संकल्पना को लेकर के उन्होंने राज्य का निर्माण किया। क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया हम बोलते हैं, ये गौरव अगर किसी ने दिलाया है, सम्मान किसी ने दिलाया है, तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज के इस राज्योत्सव के अवसर में मैं उसको जरूर स्मरण करना चाहूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ की तकलीफ को समझा, महसूस किया कि ऐसा क्षेत्र जो हमारे देश का काफ़ी पिछड़ा है, उसको अगड़ा बनाने के लिए राज्य को सौगात में दिया। मैं इस राज्योत्सव के अवसर पे अनेक हमारे विभूति आएंगे, अनेक कलाकार भी आएंगे, अनेक प्रतिष्ठित लोग आएंगे, जिससे मिल करके जिनकी संदेश थे और हमारे जितना विकास कार्य हुआ है, विभिन्न विभागों का स्टॉल भी लगेगा और हर वर्ग के लिए वहाँ कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा, क्योंकि उनको देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलता है लोगों को, तो बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से लोग जो है हमारे राज्योत्सव में शामिल होते हैं, तो एक उत्साह का वातावरण रहता है, एक मेला होता है, एक त्यौहार होता है, पर्व होता है राज्योत्सव, जिसको हम सब खुशीपूर्वक मनाएंगे। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को इस राज्योत्सव के राज्य निर्माण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और इसका सब लाभ लें और छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इस प्रेरणा और भाव से हम सब मिल करके काम करें, यही सबको मैं। एक और बात खास है, क्योंकि केंद्र का भी खासा स्नेह है छत्तीसगढ़ के ऊपर, और जो समापन समारोह है उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी शामिल हो रहे हैं, तो केंद्र का भी विशेष स्नेह मिलेगा इस बार? जब वरिष्ठ आते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है तो हमारे क्षेत्र का विकास और तरक्की होता है। उनका बड़ा अनुभव रहता है, जब वो अपनी अनुभव को साझा करते हैं, हम सब उसको सुनते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है कि ये कुछ करना चाहिए, तो ये प्रेरणादायी रहता है उनका इस राज्योत्सव में आना। उपराष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति जी अभी आके गए हमारे बीच से और बड़े दीक्षांत समारोह में शामिल भी हुए, NIT से लेकर के हमारे मेडिकल की सब छात्रों को उन्होंने सम्मानित भी किया। तो ऐसे लगातार विभूतियों का और बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों का अगर आना होता है तो हमें भी बड़ा गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ की धरती उनकी स्वागत करते हैं और उनसे सौगात के रूप में हम सबको कुछ ना कुछ मिलता है, तो हम सब उसका स्वागत करना चाहेंगे, उनसे सुनना भी चाहेंगे और उनसे कुछ और भी चाहेंगे जो उनको मिलेगा हम सबको, तो आशीर्वाद से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, राज्योत्सव की बधाई देता हूँ। बिल्कुल, ये थे मोतीलाल साहू जी। इनका साफ तौर कहना है कि जिस तरह से केंद्र का स्नेह मिलता रहा है और इस राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, तो उनको स्मरण करते हुए उन्होंने तमाम जो बातें रखी वो गौरवान्वित करने वाली है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।